क्या नाम है अंडर राइटर? समझते हैं बात को, अंडर राइटर कौन होता है भाई साहब? अंडर राइटर कौन होता है? अब ना हमारे एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, और एक्स वाई जेड लिमिटेड ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इशू करेंगे 5 लाख शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच। मतलब सर, रुपीज के टर्म्स में देखा जाए तो 50 लाख रुपए का हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। और भाई ये कंपनी जो भी शेयर वगैरह इशू करती है ना, वो किसके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से करती है, किसका रूल फॉलो करती है? कंपनी एक्ट 13। और कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 90% होना चाहिए। सर 90% मतलब आपका 50 लाख का आप इशू कर रहे हो, तो इसका 90% मतलब आपको 45 लाख रुपए तो हर हाल में बेचना ही बेचना है, या 45 लाख रुपए हर हाल में रिसीव करना है कुछ भी हो जाए। अगर आपने 44,99,999 रुपए भी रिसीव किया, तो आपकी कंपनी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप शेयर को इशू करिए, यानी मिनिमम बाउंडेशन। अब भाई अगर नई कंपनी है तो कहां से बेचेगी? कोई नई कंपनी आ जाए आपके सामने, मान लेते हैं कि आ गया बिल्लू लिमिटेड, आप कहां से खरीदोगे उसके शेयर? पता ही नहीं भाई कौन सी कंपनी नहीं है, तो उसकी कंपनी कभी भी बिकेंगे ही नहीं उसके शेयर, तो वो कंपनी आएगी फिर वापस चली जाएगी। और ऐसे क्या करे, बिल्लू लिमिटेड इस बार आई फिर बेची, नहीं खरीदा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक भी नहीं बिकेगा, मान लेते हैं 50% सब्सक्राइब हुआ जिसमें मैंने भी पैसे लगाए। कुछ दिनों बाद कंपनी का नोटिफिकेशन आता है कि हमारे 90% सब्सक्राइब ना होने की वजह से आपको शेयर नहीं दिए जा रहे हैं, आपके पैसे वापसी कर रहे हैं। मैंने बोला ओहो, पैसे तो वापसी कर दिए, उन्होंने क्या करें। फिर दोबारा एक कंपनी आई टिल्लू लिमिटेड, मैंने क्या कहा कि भाई टिल्लू लिमिटेड में पैसा लगाया जाए। उसमें पैसा लगाया, उस कंपनी का 70% शेयर सब्सक्राइब हुआ। जब 70% शेयर सब्सक्राइब हुआ, कुछ दिनों बाद फिर नोटिफिकेशन आया कि भैया इस कंपनी के शेयर आपको नहीं मिल सकते। तो इस तरीके से मैंने दो कंपनी में लगाया, तो कहीं ना कहीं मेरा फेथ हट गया यार, शेयर लगाओ पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों बैंक से पैसे निकाल के उधर डालो, उधर से इतने दिन बाद इधर आएगा, तो मेरा ट्रस्ट लूज हो जाएगा। तो इसके लिए लॉ मेकर ने बोला कि भैया आप ना, कंपनी का अगर अनसब्सक्राइब होता है ना, तो कंपनी आपका नुकसान नहीं है, मार्केट में सभी कंपनी को नुकसान होगा, क्योंकि एक कंपनी के ऊपर से भरोसा उठने का मतलब है सारी कंपनी से भरोसा उठ जाना है कि भाई इसका भी क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, ये तो बार बार यही हो रहा है। तो इसके देख रेख के लिए हमारा आता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी कहता है भाई ऐसे बार बार नहीं चलेगा, ऐसे तो बदनामी हो रही है, कंपनी एक्ट की भी बदनामी हो रही है। उसने बोला कि भाई तू ना एक ऐसा बंदा ले ले, पकड़ ले, एक ऐसा व्यक्ति ले ले जो तेरे शेयर को बिकवा दे, तेरी तो हैसियत है नहीं, तेरे को कोई जानता नहीं है, कोई नाम वाले कोई देख ले। यानी अब ये ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो पॉपुलर है मार्केट में, उसे सब जानते हैं, तो वो क्या करेगा, बिकवा देगा। सिंपल सी बात है, आप प्रोडक्ट बनाओ, बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बना लो, आप कोई भी प्रोडक्ट बना लो, नहीं बिकेगा। लेकिन एक ऐसा बंदा पकड़ लो जिसकी मार्केट में पकड़ है, सबको जानता हो, तो एक दिन में खत्म कर देगा सारा माल आपका।
तो ऐसे ही इसको बोला सेबी ने कि भाई एक काम कर, तू एक ऐसा व्यक्ति पकड़ ले जो कि तेरे शेयर को बिकवाने में मदद कर ले। तो जो एक्स वाई जेड लिमिटेड है ना, वो ऐसा पर्सन ढूंढेगा। तो ऐसा पर्सन में ना सबसे ज्यादा जो पर्सन दिमाग वाला है वो है बैंक, और भी होते हैं लेकिन सबसे मेन होता है बैंक। बैंक के पास इतना सारा कस्टमर होता है, हर कस्टमर को बोलेगा अरे इस कंपनी का शेयर लो, बहुत ऊपर जाएगा, मुनाफा होगा। इनका काम ही होता है लोगों को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना। जब ऐसा होगा तो बैंक वाले शेयर को बिकवा देंगे इसके, लेकिन बैंक वाला शर्त रखेंगे, कंडीशन रखेंगे, भाई मैं ऐसी क्यों करूं, क्यों सरदर्दी लूं मैं तेरे शेयर बिकवाने के लिए, मेरा क्या फायदा, क्यों मैं ऐसा करूं। तो कंपनी को बदले में इसको देना पड़ेगा सर कमीशन, और कमीशन जो देना पड़ेगा ना वो देना पड़ेगा मैक्सिमम 5% से ज्यादा भी नहीं देना, 5% से कम में बातचीत कर लो। अगर शेयर का केस है, डिबेंचर का केस है तो 2.5 से ज्यादा नहीं देना, ये लॉ में लिखा है। ये है शेयर पे, अगर डिबेंचर का केस होगा ना तो 2.5 से ज्यादा नहीं देना, ये लॉ में है। यानी आप 5% लॉ में मैक्सिमम लिखा है, आप 4 में बात कर लो, 3 में बन जाए बात आपकी। तो जो ये बैंक है, बैंक क्या करेगा बताओ, बैंक से डन हो गया, 5% कमीशन की बात तय हो गई। तो बैंक को जो कमीशन मिलेगा ना, तो अब इसके शेयर्स बैंक कितने बिकवाएगा, सबको बोल बोल के कितने बिकवा देगा, पूरे 50 लाख। जब ये 50 लाख का बिकवा देगा तो इसे 5% कमीशन दे देंगे, दैट इज 50 लाख के ऊपर 5% कितना होता है, हाँ 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए का बैंक को क्या दे देंगे, ले भाई तू कमीशन ले ले। अगर बैंक वाला ना नहीं बिकवाएगा ना इसका शेयर, तो बैंक वाले को खुद ही खरीदना पड़ेगा। भाई ऐसी कैसी गारंटी, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा इधर उधर से, मैं बिकवा रहा हूं मेरे को दे कमीशन, और लास्ट में बोले यार बिकाई नहीं ये तो शेयर, कोई मतलब थोड़ी बनता है। तो जब इसको हम कमीशन देने की गारंटी देंगे ना बैंक वाले को, तभी लिखवा लेंगे भाई अगर बेचना ही बेचना है, नहीं बिकेगा तो तू मरेगा, तू देगा सारे पैसे मेरे को तो 50 लाख रुपए, मैं तेरे को 2.5 लाख कमीशन दूंगा, 47.5 लाख रुपए मैं तेरे से ले लूंगा, बात खत्म, और मुझे नहीं पता तू बेच चाहे मत बेच। तो ये एक तरीके से इस कंपनी के सारे शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी ले रहा है। जो किसी कंपनी के शेयर्स को बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसी को बोला जाता है अंडर राइटर। तो आप समझ में आया अंडर राइटर कौन होता है, जो किसी कंपनी के शेयर्स को बिकवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है उसको बोलते हैं क्या, अंडर राइटर। तो सर अंडर राइटर को क्या मिलता है बदले में, ऐसा क्यों करता है ये, उसे मिलता है कमीशन। अब कमीशन दो तरीके से दिए जा सकते हैं, या तो पैसे में दे देंगे, या बोलेंगे तेरे को शेयर ही दे देते हैं ना अपनी कंपनी का, वो डिपेंड सिचुएशन पे। तो सर अंडर राइटर का हो जाता है कमीशन। तो सर अंडर राइटर को देना पड़ता है क्या, सर इंडिया में बहुत सारे बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बहुत सारे बैंक ये काम करती है, और वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी ले लेती है क्योंकि आपको पता है उसके पास बड़ा सारा पैसा है, कमीशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसे कमीशन देना है अंडर राइटर को, तो ड्यू करेंगे, एंट्री क्या होगा, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, खर्चा है भाई मेरे लिए, और टू अंडर राइटर, सर लाइबिलिटी है, पैसा तो दोगे ना, तो इसलिए टू अंडर राइटर। सर कितना देना है, यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, 2.5 लाख। तो यहां पे होगा बीइंग अंडर राइटर कमीशन ड्यू, समझे बात, अंडर राइटर कमीशन ड्यू। अब पेमेंट कर देंगे, बोलेंगे अंडर राइटर टू इक्विटी शेयर, इट मे बी एट पार और प्रीमियम, वो डिपेंड करेगा, प्रीमियम पे होगा तो नंबर निकाल लोगे आप,
लो जी अंडरराइटर का कॉन्सेप्ट खत्म। अब लास्ट में एक एंट्री करना चाहते हो पीएनएल में भेजने के लिए तो कर सकते हो, ऑप्शनल है। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू अंडरराइटर कमीशन, ये ऑप्शनल है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भेजने की है कि बीइंग अंडर अंडरराइटर कमीशन ट्रांसफर टू पी एंड एल, और ये बीइंग शेयर इशू टू अंडरराइटर। समझ में आई बात? किसी को दिक्कत बताइए। मैंने देखो सारे एग्जाम्पल करा दिए, अगर आप सही से क्वेश्चन सवाल को पढ़ेंगे तो मतलब ही नहीं है कि आपका सवाल रुक जाए। किसी को डाउट?